फाइनल मुकाबला अब यहां शुरू होने जा रहा है। इन दोनों टीम में जो जीतेगी वो बनेगी 1 करोड़ के इनाम की हकदार। और श्री कृष्णलाल पवार जी, और यहां पर हम लोग आप लोगों के साथ में पिछले 3 दिनों से बने हुए आप लोगों का स्वागत एक बार फिर से करते हैं हिसार की इस पावन धरती पे। हिसार के जिला प्रशासन का एक बार फिर से धन्यवाद इतना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, जो है प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जहां पर बहुत आवाज नहीं आई हरियाणा वाली मगदूमा। और फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है, लेट द मैच बिगन। बड़े लंबे समय से ये खेलों से जुड़े हुए हैं, और जब भी, और आप मौजूदा कबड्डी हरियाणा एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, आपकी रहनुमाई में जो पीछे चंडीगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई उसमें हरियाणा की टीम प्रथम स्थान पर रही, ये श्रेय भी आपको जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि पहले टीमों में सिलेक्शन बड़े किंतु परंतु से हो रही है, खेल की शुरुआत और बढ़िया आप हैं विकास कंदोला रेलवे की तरफ से गांव बुडैन जिला जींद 3 नंबर की टी शर्ट में सर्विसेज के मैदान में बहुत ही अच्छा पॉइंट। दर्शक साथियों दिल थाम कर बैठे रहना, रेलवे के मैदान में 2 नंबर की टी शर्ट भाई शांति से बैठ मोनू गोयत बहुत ही अच्छा ग्रिप किया, विकास कंदोला ने एंकल होल्ड किया बहुत ही जबरदस्त कैच, एक अच्छे डिफेंस का सबूत देती हुई इंडियन रेलवे की टीम। फिर इंडियन रेलवे की तरफ से रेड 17 नंबर की टी शर्ट में पवन भाई राम से बहुत ही कांटे की टक्कर। दर्शक साथियों आप हैं नवीन गोयत, मैं धन्यवाद करता हूं कि माननीय मंत्री जी का के जिसने जो खिलाड़ी हम टीवी पे और टिकटों में देखने के लिए दूसरे स्टेटों में जाते हैं, आज उन खिलाड़ियों का टूर्नामेंट देखने का मौका दिया। और धन्यवाद करता हूं माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी आईएएस डायरेक्टर स्पोर्ट्स का, जिसकी रहनुमाई में सारी पूरे हरियाणा में खेल गतिविधियां परवान पर हैं। आप हैं पवन 17 नंबर की टी शर्ट में, और बहुत आप हैं 11 नंबर की टी शर्ट में रोहित, रोहित एक बचे हैं ऑल आउट होने के अंदर, अभी देखते हैं इंडियन रेलवे ऑल आउट कर पाती है या रोहित अपनी टीम के लिए कुछ करने के जज्बे में बड़े जोश में। और बहुत ही अच्छा अटैक पूरे जोश के साथ दोनों टीमों के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, साथ का डिफेंस सर्विसेज की टीम का अंतरराष्ट्रीय रे कोच अर्जुन अवार्डी भाई रामेर सिंह जी, दूसरी तरफ फिर रेलवे का खिलाड़ी पवन 17 नंबर की टी शर्ट में, आप हैं मोनू गोयत अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मोनू गोयत, पर बहुत ही मजबूत डिफेंस इंडियन रेलवे का, कई बार ऊपर नीचे होगा मैच क्योंकि दोनों टीमें बड़े पेशेंस वाले और बड़े स्ट्रांग बड़े मजबूत खिलाड़ी हैं, बहुत टेक्निक और बहुत लंबा एक्सपीरियंस इनके पास है। आप हैं विकास 3 नंबर के खिलाड़ी विकास कंदोला, 2 पॉइंट अपनी 11 नंबर की टी शर्ट में रोहित अपनी टीम के लिए कुछ करने की उजार बड़े जोश के साथ, बहुत ही अच्छी सपोर्ट कवर किया। और विकास कंदोला ने 3 नंबर ने एंकल होल्ड किया साथ में, जिससे रेडर का बैलेंस नहीं रहा। और मैं बताना चाहूंगा दर्शक साथियों जितनी भी टोटल टीम में यहां पे 108 खिलाड़ियों में से 57 खिलाड़ी खाली हरियाणा प्रदेश के हैं, ऐसी कोई टीम नहीं है जिसमें हरियाणा के मैक्सिमम और मैक्सिमम खिलाड़ी ना हो, ये एक हमारी खेल नीति का हमारी और इस हर संभव प्रयास अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचाने के लिए। पर दूसरी तरफ अपने अंक और रेडर आउट, बोनस पॉइंट मिला रेडर को, जैसा कि मैं बता रहा था कि 6 और 7 में जब खिलाड़ी रेडर बोनस क्रॉस कर लेता है तो उसको एक बोनस पॉइंट देता है 6 और 7 में। बड़े जोश और जज्बे के साथ
कोई नई टेक्निक टाइम आउट लेकर कोचेज ने बताया, करो या मरो, फाइनल मुकाबला। अच्छी ट्राई रोहित के द्वारा। आप मत बोलें खिलाड़ी, आप मैच खेलने, ऑफिशियल के फैसले को कोई चैलेंज ना करे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इनामी टूर्नामेंट, 1 करोड़ रुपए का इनाम, जो रहेगा दूसरे स्थान पर उसको 51 लाख का इनाम, और तीसरा इनाम हरियाणा की टीम पहले जीत चुकी है, और उत्तराखंड की टीम को 11 लाख से सम्मानित किया जाएगा माननीय मान्यवर श्री कृष्णलाल पुवार के कर कमलों द्वारा। इंतजार था कोई और खिलाड़ी आए, पर 1 पॉइंट लेने में कामयाब रहे मोनू गोयत के हकदार होंगे, और 1 पॉइंट से आप हार जाते हैं तो 51 लाख के हकदार होंगे। बड़ा सोच फूच के, बड़ा फूक फूक के कदम रखना होगा, बड़े अहम फैसले खिलाड़ियों ने आज इस फाइनल प्रतियोगिता में पहल के द्वारा ट्राई लेकिन नाकाम। 6 नंबर की टी शर्ट में सर्विसेज के मैदान में एक अच्छा डिफेंस सर्विसेज का, 7 का डिफेंस पूरी टीम अंदर, बोनस लाइन का गेम, बड़े भरसक प्रयास रेलवे के रेडर के द्वारा, पर उतना ही दबाव सर्विसेज के डिफेंस का। टाइम आउट रेलवे की, और उतना ही बधाई के पात्र हमारे जितने भी हमारे यहां पे इंतजाम किए गए हैं, हर तरह से काबिले तारीफ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उपायुक्त सार अशोक मीणा जी को। आप हैं रोहित, 11 नंबर की टी शर्ट में, अच्छा टच किया संदीप को, संदीप उर्फ बच्ची, उम्दा उच्च सतर के उच्च कोटि के खिलाड़ी दोनों टीमों के अंदर, बहुत लंबा एक्सपीरियंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, एक बार नहीं कई कई बार जो एशियाड में हिंदुस्तान की टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो फिर 1 पॉइंट लेने में कामयाब रहे पवन, पर खाली हाथ वापिस, अच्छा प्रयास था। आप हैं विकास कंदोला, एक नया खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी, बहुत ही मोनू गोयत के द्वारा एक एंकल होल्ड, अच्छा कैच किया, और हुआ 2-1-21 रेलवे, 2 का डिफेंस रेलवे के पास, कैच कर लेते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे, अगर ऑल आउट करता है तो 4 पॉइंट सर्विसेज के खाते में, मोनू के खाते में होंगे। तो फैसला होने जा रहा है अभी आपके सामने, देखते हैं मोनू गोयत करता क्या। प्रवेश को टच किया, ट्राई ली प्रवेश ने लेकिन नाकाम रहे, और पॉइंट मिला पवन। लास्ट बचा है, बोनस छोड़ दिया टीम ने, ये एक स्ट्रेटेजी है कि एक बोनस पॉइंट देकर 3 पॉइंट लेने के लिए एंड लाइन पर चले जाते हैं, बोनस पॉइंट देने के बाद फिर बोनस पे ट्राई है, एंड लाइन पे ट्राई दोबारा, और वो कैच किया बड़े अच्छे तरीके से। 2-2-22 इंडियन रेलवे, 1-4-14 सर्विसेज। दर्शक साथियों, आगे आगे इंडियन रेलवे मंजिल की तरफ बढ़ती है, और बिल्कुल पीछे पीछे भरसक प्रयास के साथ अपने अंतर को कम करती हुई सर्विसेज की टीम। आप हैं रोहित, अच्छा टच रोहित ने किया। आप हैं विकास कंदोला, बहुत ही स्पीडी अटैक, तेज मूवमेंट, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, और बहुत ही नजदीक से अच्छी ट्राई ली थी महिंद्रा ने लेकिन नाकाम। सुझाव भी इसमें दिए और बदलाव भी के नियमों में किया है। आप बहुत बधाई के पात्र हैं, आप सब ऐसा खेल और खिलाड़ियों के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। आप हैं मोनू गोयत, अच्छे अटैक, अच्छा टो टच की ट्राई, बोनस की ट्राई, टो टच की ट्राई, और मिला बोनस लेने में कामयाब रहे मोनू गोयत। सर्विसेज की टीम 1-6-16, 2-2-22। आप हैं पवन, बहुत ही सूझबूझ के खिलाड़ी पवन, अच्छी टर्निंग लिया, कवर किया था लेकिन टर्निंग उससे भी अच्छी की। आप हैं नवीन गोयत, वो फोटो, बहुत ही अच्छा प्रयास, अच्छा जंप किया नवीन गोयत ने, और अपनी टीम के लिए 1 और पॉइंट का इजाफा करते हुए। आप हैं पवन, 24 पॉइंट के साथ इंडियन रेलवे मंजिल की ओर बढ़ती हुई, 1 रुपए के हकदार के लिए भरभरसक प्रयास, अच्छा कैच किया पवन को। तृतीय स्थान पर रहने वाले के लिए 25 लाख, और चौथे स्थान पर जो टीम रहेगी उसके लिए 11 लाख।
चैंपियन जो होगा टूर्नामेंट का उसको 1 करोड़ का इनाम, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, ये हरियाणा की खेल नीति। फिर लगातार खेल का प्रदर्शन करते हुए विकास कंदोला, भरसक प्रयास दोनों तरफ से, दोनों तरफ से बहुत ही मजबूत कॉम्बिनेशन सर्विसेज की टीम का, तोड़ने की कोशिश में विकास कंदोला, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ट्राई ली थी बोनस भी, जो ही बोनस किया सर्विसेज के पास गत वर्ष की विजेता चेक चेक 1 2 3 चेक की उप विजेता 6 पॉइंट की लीड हुए मंजिल की ओर बढ़ती हुई बिल्कुल पीछे पीछे सर्विसेज, बहुत ही कड़ा मुकाबला और ये आधा समय और फर्स्ट हाफ तक स्कोर जो है सर्विसेज 19 इंडियन रेलवे 25 यानी कि 6 अंक का। डी चरलादन रेलवे की तरफ से महाराष्ट्र के, अरे अच्छा बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन जयदीप के द्वारा, एक एंकल होल्ड एक स्टेप आगे लिया और बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ रेडर को अटैक करने का मौका नहीं दिया और एक अच्छे खिलाड़ी को कैच किया। आप है मोनू गोयत एक लंबा टच प्रवेश के द्वारा कैच, बहुत ही मैच आखिरी जो 5 मिनट का मैच होगा वो बहुत ही निर्णायक होगा, थर्ड रेड डिसाइड रेड, इसके अंदर रेडर ने डिसाइड करना होगा या तो बोनस पॉइंट ले ना तो फिर टच पॉइंट ले, अदरवाइज रेडर बाहर होगा और अपोनेंट को एक पॉइंट दिया जाएगा प्लस बोनस भी किया और टच पॉइंट भी किया, 2 पॉइंट लेने में कामयाब रहे पवन। 2828 इंडियन रेलवे, 2020 सर्विसेज। आप हैं रोहित, जो जो मैच समाप्ति की ओर जाएगा तो दोनों टीमें बड़े जोश के साथ अपनी जीत को, खिलाड़ी आप अनुशासन में रहें, कोई चैलेंज ना करें। 28-22 फिर वही 6 का गैप, समय जो जो नजदीक होगा, समय जो जो समाप्ति की ओर होगा, दोनों टीमें बड़े निर्णायक दौर में होंगी। दर्शक साथियों आप हैं मोनू गोयत, कुछ भी हो सकता है दर्शक साथियों, बहुत अच्छी ट्राई ली थी बोनस की लेकिन 17 नंबर के खिलाड़ी पवन कुमार ने एक अच्छे डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए ऑन दी सपोर्ट के द्वारा 4 का डिफेंस सर्विसेज की टीम का, अच्छा डिफेंस, बहुत ही मजबूत डिफेंस और अच्छी ट्राई, फिर कैच किया पवन को। रोहित कुछ करने के सपने लेकर आए बड़े जोश के साथ, कैसे अपने अंतर को कम किया जाए। थर्ड रेड डिसाइड रेड श्रीकांत के द्वारा सर्विसेज के मैदान में डिसाइड रेड होगी, लेकर लाना होगा पॉइंट नहीं तो देकर आना होगा, देखते हैं क्या। बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन सर्विसेज के खिलाड़ी, 30-25 30 और 25 का स्कोर, आगे आगे रेलवे और बिल्कुल पीछे पीछे सर्विसेज, थर्ड रेड रोहित के द्वारा। और बहुत ही बधाई के पात्र हमारे सभी दर्शक जिन्होंने बड़े शांति से, विशाल हो गया, दोनों ही टीमें कामयाब रही थर्ड रेड पे अपने पक्ष में करने के लिए। मोनू गोयत 2 नंबर की टी शर्ट में, रेलवे के मैदान में अच्छा अटैक, अच्छी रीच और सेल्फ आउट, बहुत ही टर्निंग पॉइंट। और दर्शक साथियों मैं बता देना चाहता हूं, पिछली साल जो यही टूर्नामेंट जीन की पवन धरा पर हुई उसमें इन्हीं दोनों टीमों का और एक अच्छी कोशिश, सफल कोशिश और पॉइंट सर्विसेज। सर्विसेज की टीम ने बनी करोड़पति, सर्विसेज की टीम के सामने एक चुनौती, क्या हम खिताब को
अपने पास रख पाएंगे और रेलवे की ये चुनौती क्या हम तोड़ पाएंगे बैरियर सर्विसेज का। रेलवे के पाले में अच्छा मुकाबला कांटे की टक्कर रोहित और खिलाड़ी की थोड़ी सी भी चूक बहुत अच्छी। रेलवे की तरफ से रेड पर पवन कुमार और अपने नाम को सार्थक किया पवन ने, हवा के झोंके की तरह गए और पॉइंट लेकर हवा के झोंके की मानक अपने 35 इंडियन रेलवे और 27 पॉइंट सर्विसेज। नवीन बहुत ही तेज तरार स्पीडी खिलाड़ी, हिंदुस्तान का सबसे स्पीड वाला खिलाड़ी विकास, खेल कोटे से रेलवे में भर्ती हुए विकास और एक पॉइंट का इजाफा करते हुए अपनी टीम को मंजिल की तरफ। और नवीन रेड पर एंकल होल्ड, सफल कोशिश, बहुत अच्छी स्पोर्ट। 37-28 इंडियन रेलवे 37 पॉइंट और 28 पॉइंट सर्विसेज। पॉइंट सर्विसेज और किसी भी खिलाड़ी की छोटी सी चूक 1 करोड़ से 50 लाख पर ला सकती है टीम को। बहुत चौकन्ने एक एक पॉइंट, बहुत ही सपेटे खिलाड़ी विकास। दिशा में खेल विभाग में कबड्डी के कोच हैं, उन्हीं के तैयार किए हुए विकास कंदोला जो आज इंडियन रेलवे की टीम में खेल रही है। एक अच्छा एंकल होल्ड, 100% आत्मविश्वास के साथ एंकल होल्ड मोनू गोयल। सर्विसेज की तरफ से रेड पर मोनू गोयल, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। एक बहुत ही अच्छी कोशिश और सफल कोशिश। पवन कुमार इंडियन रेलवे की तरफ से रेड पर और सुपर टैकल, 2 पॉइंट सर्विसेज के खाते में। आप भी सांस रोककर ये देखे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अभी सिर्फ 6 पॉइंट से आगे चल रही इंडियन रेलवे, क्या बदला उतार पाएगा पिछले साल का इंडियन रेलवे। और 5 पॉइंट का जिसका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। आखिरी मिनट फोर प्ले, खेल के लिए सिर्फ 1 मिनट। और ईमानदारी से खिलाड़ी ने बताया भाई खेल खिलाड़ियों से जमीन से जुड़े आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय कृष्ण लाल पवार जी और दर्शक साथियों ने बता दिया कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और मैं समाप्त, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जीत गई है टीम इंडियन रेलवे। भाई जिसके नाम में इंडियन है उसकी जीत तो पक्की थी, तो आप सभी लोगों की तरफ से जोरदार तालियां हो जाए इंडियन रेलवे के लिए।